आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि बलूचिस्तान काम और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। वक्त आ गया है पायदार इस्तेहकाम के लिए समाजी और मुआशी तरक्की को तेज किया जाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सातवें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से बातचीत में कहा कि हर किस्म के खतरा जामे कौमी रद्द अमल का तकाजा करते हैं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की खुशहाली के दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद और पुरअज़्म रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना के इजलास में लाहौर धमाके के मुलज़िमान तक पहुँचने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की लाहौर दहशतगर्दी का सुराग लगाने वाली तहकीकाती टीम को मुबारकबाद। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना है कि कुलभूषण के बाद पाकिस्तान में भारत का दूसरा बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। दिल्ली के जिन बैंकों से रकम मुंतकिल हुई वो भी सामने लाएंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने किसी डील की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा किससे डील करेंगे और क्यों करेंगे, जिनके खिलाफ जिद्दोजहद की इतनी कुर्बानियां दी, पागल हैं कि उनसे डील करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का निजी तकरीब में बगैर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के जाने का ऐलान। कहा गवर्नर्स और वज़ीर-ए-आला के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी का भी जायजा लिया जा रहा है। जायजा ले रहे हैं कि अखराजात को कम से कम और अवामी तकलीफ को किस तरह खत्म कर सकते हैं।